बिजली चमक रही है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि 05 वर्ल्ड ब्लॉग्स। स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। तो ये अच्छा बोला ना अभी, मैं नॉर्मली बोलता था मतलब हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, ये सो करके। लेकिन अब थोड़ा इस तरीके से बोलने में थोड़ा ठीक लगता है, पब्लिक सपोर्ट करती है। तो आप ये देख रहे हो अभी बिजली चमक रही है। ये वाला तो खतरनाक था यार। तो मैं ये कह रहा था कि पब्लिक सपोर्ट करती है, हेल्प करती है कि जो ऐसे एक्टिव तरीके से मतलब बोलता है या कुछ प्रोग्रेस करता है, तो वही कोशिश मैं भी कर रहा हूँ। और ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले कुछ कहूँगा, आज तो पहले ही कह देता हूँ कि सपोर्ट कीजिए गाइस, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि यूट्यूब ने स्टेप रख दिया है, तो 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है अभी। तो आप लोग को अगर जितना लगे, अगर छोटी छोटी अगर मेरी मेहनत छोटा सा भी अगर मैं कुछ कर रहा हूँ या कुछ भी अगर लगे आपको कि हाँ भाई इतना तो कर रहा है, तो उसके लिए प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो मतलब फुल सपोर्ट कर दीजिए, अभी टारगेट मेरा 1000 का है, 1000 सब्सक्राइबर्स का। तो और तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ब्लॉग स्टार्ट करते हैं अब। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो पीछे पूरा अंधेरा है, क्योंकि लाइट है नहीं मौसम ख़राब होने की वजह से। तो पहाड़ों में ही रहता है, मौसम ख़राब होता है तो लाइट वाइट होती है नहीं। और तभी मैं अभी ये दरवाजे पे आके थोड़ा उजाला आ रहा, तो तब ब्लॉग बना रहा हूँ। और कल रात से शायद लाइट नहीं है, और कल येलो अलर्ट था, इतनी बारिश तो हुई नहीं थी कल, सुबह हल्की हल्की और शाम को हुई थी, लेकिन कल रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, क्योंकि आज रेड अलर्ट दे रहे हैं और बाकी जो स्कूल्स हैं उनमें भी छुट्टियां दे रही है। तो पिछली बार तो मौसम ने थोड़ा पलटी खा दिया था, कुछ उतना हुआ नहीं मौसम। अभी देखो मम्मी जा रही मंदिर में, मौसम ऐसा हो रहा है कुछ, अभी बारिश रुकी हुई है। तो नीचे जो आप मैंने आपको ब्लॉग में दिखा था पिछले, बन्ना देवी, तो वहीं जा रही है अभी बत्ती वत्ती करने के लिए, फिर वहीं से घास भी लेके आएगी। मौसम ख़राब है, अलर्ट दे रखा है, फिर भी इनको जाना है, काम करना ही है। चलो ठीक है। तो पिछली बार तो मौसम ने पलटी खा लिया था, जिस हिसाब से कहा जा रहा था कि बारिश होगी बहुत तेज, ऐसा होगा, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन आज फिर से रेड अलर्ट है, तो देखते हैं क्या क्या होता है, मौसम के हिसाब से रहता है। और पहाड़ में जैसे जब ये बरसात वरसात होती है तो लैंडस्लाइड होने का ज़्यादा खतरा रहता है, तो ये चीज़ होती है अगर, तो देखते हैं। ये तो होना तो नहीं चाहिए, लेकिन मौसम के हिसाब से ये हो ही जाता है, तो जैसा भी रहेगा चलो देखते हैं। बारिश तो हो रही है, लेकिन उतनी तेज़ बारिश नहीं हो रही है, हल्की हल्की बारिश है। तो दिन भर ऐसी रहेगा, तो मतलब ऐसी बारिश में ख़तरा रहता है लैंडस्लाइड का ना ज़्यादातर। तो चलो देखते हैं दिन भर का भी कैसा रहता है मौसम, दिन भर बारिश रहती है या क्या रहता है। और नदी भी बड़ी आ रही है, मैं दिखाता हूँ मैं आपको। और अभी तो मौसम थोड़ा साफ हो गया है, हल्की हल्की बारिश है, लेकिन ये देखो आप नेपाल में जो झरने ये भी निकल गए कल की बारिश से। और यारा तो यारा झरना तो खतरनाक वाला आता है यार, यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ तभी इतना खतरनाक वाला आ रहा है, नहीं तो बाइक आता है। और बाकी जहाँ मैं बगिया चलाने जाता था यहाँ पे लैंडस्लाइड और गई कर गई ये ली जगह,
तो बाद में हो सकते हैं अभी जाएंगे दिखाऊंगा। तो अलग का मतलब ये रहता है ना कि पहाड़ों में लैंडस्लाइड होने का खतरा, बारिश रहती है और लैंडस्लाइड का भी ज़्यादा खतरा रहता है, तब इसलिए अलग दिया जाता है। और ये देखो हमारे रंग का अलग फूल मस्त लग रहा है, हमारा प्यारा सा गाँव। तो अभी मौसम भी थोड़ा साफ हो गया था तो बाल कटाने के लिए आ गया था मैं थोड़ा मार्केट की ओर, लेकिन मुझे पता नहीं था कि रोड कंडीशन इतनी ख़राब होगी। तो वीडियो तो मैंने बनाया नहीं अभी तक, अब जाते टाइम पूरा बनाऊंगा। लेकिन मुझे लगा यहाँ कि जब बरसात आता है ना तो यहाँ पर पूरा झरना आता है, मुझे लगा यहाँ पर भी आ गया होगा, तब यहाँ तक घूमने के लिए आया था। तो फिर भी थोड़ा बहुत आ गया, वो दिखा लेता हूँ मैं आपको। तो ये अभी उतना आया नहीं है चढ़ना, स्कूल भी नहीं गया आज छुट्टी है। क्यों? मौसम विभाग की तरफ से। तो मौसम तो बारिश वारिश था ही नहीं आज। पिछली बार भी यही होता, तुम्हारे मजा आ रहे हैं, छुट्टी छुट्टी है तो सही है। तो अभी कहाँ गए फिर? आज आप चौमिन खाने आ रहे हैं। लोग देख सकते हो ऊपर पे कितना खतरा है, मुझे तो पता नहीं था ऐसा हो रहा होगा हो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई भरोसा नहीं कब आ जाए नीचे को। तेरे पे जो बहुत खतरनाक आने वाली है वहाँ पर सीन अभी पीछे पीछे फोटो खींचने में वहाँ पर जो सबसे अच्छा था यहाँ पर अच्छा। तो ये रहा यार मैं आ गया बल्ली चलाने के लिए, तो ये कल रात को पूरा निकल गया है, चट्टान खींच गई, इतना बड़ा पत्थर आ रहा है और हमारी तो यार वहाँ पर हमने स्विमिंग पूल बना था तो वो भी टूट गया है। तो बस चलते हैं अभी घर पर। तो आप लोगों ने देखा होगा अभी कि रोड कंडीशन कैसी हो रही है, और मुझे तो पता भी नहीं था, थोड़ा मौसम साफ हो गया तो मुझे लगा मैं बाल बाल कटा जाता हूँ तो बाल कटाने लिया था, लेकिन रास्ते में चट्टान किसे कर गई थी तो उस टाइम पे वो जिस भी साफ कर रहा था तो जो अलर्ट दे रखा है वो तो सही है, मतलब इस बार थोड़ा सही हुआ कि हाँ अलर्ट जो दे रखा था, मतलब बारिश हो रही है, तेज़ नहीं हो रही लेकिन रेगुलर बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है और
खतरा मतलब इसी इन्हीं बारिशों में होता है कि चट्टान का खिसकना, लैंडस्लाइड, ये सब चीज़ यहाँ इसी बारिश में होता है। तो जब अलर्ट आता है तो मतलब ट्रैवल नहीं करना चाहिए, तो मुझे भी नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अब मैं घर से निकल गया था तो फिर पूरा काम करके आना ही पड़ता है। तो इसलिए मैंने बोला चलो, रोड उसी टाइम खुल गई थी थोड़ी देर बाद, तो मैं अपना काम जो भी था वो सब करके आ गया। और बाकी कल था येलो अलर्ट, तो आज रेड अलर्ट का देर का था। तो कल भी मतलब रात को हुई थी बारिश ज़्यादा, लैंडस्लाइड होने का जितना भी खतरा रहता है कल रात को ही होता है मतलब अधिकतर, और आज तो शायद बारिश ज़्यादा ही है, दिन भर है। तो बीच में एक दो बार रुक गई थी, लेकिन रेगुलर लगातार बारिश ही हो रही है, तो रात को और ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा क्या पता मतलब लैंडस्लाइड होने का या चट्टान खिसकने ज़्यादा ये रह सकता है। तो ये वीडियो देखता हूँ कल तक, अगर बनेगा तो कुछ, अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है पहाड़ों पे मतलब कि लैंडस्लाइड होना, तो अगर हमारे आसपास तो चीज़ दिखा पाऊँगा मैं। और बाकी नदी भी थोड़ी बड़ी आ रखी है, देखा होगा आप लोगों ने हर जगह। तो एक बात ये भी ना कि बरसात का जब ये होता है कुछ बारिश वारिश आने का, तो भयानक तो होता ही है, मतलब डेंजरस तो है, लेकिन एक खूबसूरत उसके बाद जो खूबसूरती निकलती ना, कि एक से एक झरने देखने को मिलते हैं और पूरा हरा भरा रहता है पूरा नेचर ना, तो वो चीज़ भी देखने को मिलेंगी। तो उसका भी कभी जब झरने वरने आएंगे ज़्यादा ज़्यादा, तो उसका भी अलग से ब्लॉग बनाएंगे। तो चलो देखते हैं अभी कब तक बनता है ब्लॉग ये वाला, तो मौसम का देखते हैं अभी थोड़ा क्या क्या है। तो अभी तो शाम के 5:30 बज गए, बारिश रुकी नहीं, लगातार बारिश आने में ही है। लेकिन एक चीज़ दिखाता हूँ, साथ में धूप भी है, बारिश और धूप दोनों साथ में है। तो हमारी भाषा में इसको घाम पानी बोलते हैं, घाम मतलब धूप, बारिश पानी। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, इंद्रधनुष, दो दो इंद्रधनुष आ रखे हैं ऐसे में, दिख रहा नहीं दे रहा, थोड़ा बैक कैमरे से दिखाता हूँ, रुको। तो ये रहे दो इंद्रधनुष, एक ये रहा और एक ये ऊपर पे, इतना प्यारा लग रहा है ना। और नेपाल में अभी धूप पड़ रही है तो बादल भी कितने मस्त लग रहे हैं। ये देखो, और इंद्रधनुष पर नीचे मिल रहा है, नदी पे मिल रहा है, पता नहीं कहाँ मिल रहा है, तो प्यारा लग रहा है। और ये नेपाल अभी कितना मस्त लग रहा है, बादलों से पूरा, और धूप भी है साथ में। तो ये था आज का दिन भर का, जैसे कि कहा गया था कि बारिश आएगी, बारिश तो आई, तेज़ बारिश नहीं थी लेकिन रेगुलर बारिश थी। तो यही बारिश होती है जिससे मतलब लैंडस्लाइड होने का ज़्यादा खतरा रहता है, और काफ़ी जगह लैंडस्लाइड हो रखा था तो रोडें बंद थी। जैसे मैं दिन में मार्केट में भी गया तो वहाँ भी रोड बंद थी, लेकिन वहाँ जेसीबी लगी हुई है, हर जगह जेसीबी लगी हुई है, तो उसी टाइम रोड खुल जा रही है और फिर बंद भी हो जा रही है, तो जेसीबी वहाँ पे है उसके लिए, तो ये काफ़ी सही है। और बाकी यही था फिर आज का दिन भर का, मौसम के ही लिए था कि बारिश होती है नहीं होती, लेकिन बारिश तो हुई। तो और अगर आपको लगे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे।